मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड आवर अर्ली थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस आवर मॉडर्न थ्योरी विच इज द बिग बैंग थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी अमंग ऑल दीज थ्योरीज, बिकॉज इन दिस थ्योरी एडविन हबल सजेस्टेड दैट आवर यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज Universe Expanding Theory. Edwin Hubble gave his theory in 1920, but it was postulated in 1950 and 60 and gets its validity in 1972. Now, what was the Big Bang Theory? According to the Big Bang Theory, our universe was very small in its initial stage. Starting में जो हमारा universe है वो बहुत ही छोटा था और एक सिंगल पॉइंट के रूप में था। जैसे कि यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये एक सिंगल पॉइंट से हमारा यूनिवर्स निकला है। इस सिंगल पॉइंट को हबल ने क्या कहा है, सिंगुलैरिटी। दिस पॉइंट इज नोन एज सिंगुलैरिटी और वी कैन से सिंगल एटम और फायर बॉल। आवर यूनिवर्स इज अमर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी और सिंगल पॉइंट और अ फायर बॉल। दिस सिचुएशन वॉज 13.7 billion ईयर्स अगो। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर यूनिवर्स वेन द यूनिवर्स इज इन द सिंगल पॉइंट फॉर्म। वट हैपन्ड, दिस सिंगल पॉइंट हैव इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड डेंसिटी and I, as I told you, that is very small in volume. Because it is very small in size, it have very small volume but had infinite temperature and density. अब क्या होगा कि जब इससे एक छोटे से पॉइंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या होगा कि एक लिमिट तक ही उसको क्या कर सकेगा, कंट्रोल कर सकेगा। आप बियॉन्ड द लिमिट क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर और इंक्रीज होगा उसमें क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। कैसे? अब जैसे कि हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और सडनली क्या होता है, आप लोगों के ऊपर ब्लास्टिंग हो जाती है ना, हम आपको डांटना शुरू हो जाते हैं। सेम ऐसे ही हुआ कि जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसमें क्या हो गया, ब्लास्टिंग हुई। टेम्परेचर वो कंट्रोल नहीं कर सका और उसमें ब्लास्टिंग हुई। ब्लास्टिंग के कारण उससे क्या निकला, हॉट रेडिएशन। दैट वाज हॉट रेडिएशन। हॉट रेडिएशन जब निकले उसके साथ साथ उसमें कुछ मैटर भी जो है रिलीज हुआ। एक चीज में जब ब्लास्ट होगा तो उससे मैटर भी निकलेगा और रेडिएशन भी, वो यानी एनर्जी भी जो है वो रिलीज करेगा। अब इस में से जो एनर्जी रिलीज हुई, मैटर रिलीज हुआ, उसमें फर्दर ब्लास्टिंग हुई। फर्दर ब्लास्टिंग इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक न्यूक्लियर बम होता है, जब उसको हम ब्लास्ट करते हैं तो उसके जितने भी एटम होते हैं उनमें फर्दर ब्लास्टिंग होती है। सिमिलरली यहाँ पर हुआ कि जितना भी इससे मैटर रिलीज हुआ उसमें दोबारा से ब्लास्टिंग होना शुरू हुई, जिससे यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, मिस्टिक क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर मिस्टिक क्लाउड्स अलोंग विद द मैटर उनकी फॉर्मेशन हुई। अब ये जो मिस्टिक क्लाउड्स हैं, क्योंकि जब एक हम छोटे ऑब्जेक्ट है या बड़ा ऑब्जेक्ट है, जब वो ब्लास्ट होगा तो वो इक्वल साइज में ब्लास्ट नहीं होगा। कोई मैटर जो है वो छोटा होगा, कोई मैटर जो है उसमें बड़ा होगा, और इसी तरीके से। लेकिन उस मैटर में उसके ओरिजिनल या हम कह सकते हैं पेरेंट जो ऑब्जेक्ट है उसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। तो अगर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था तो इससे जितना भी मैटर निकलेगा उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन वो इक्वल साइज नहीं है, कोई मैटर छोटा है और कोई मैटर बड़ा है, तो इसलिए उनके ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इससे जितना भी मैटर निकला उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिफरेंट थी। अब ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स थी उस मैटर ने छोटे मैटर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। अब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा है, इसकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो इस छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, जिससे यहाँ किसकी फॉर्मेशन हुई, क्लस्टर्स की। इस तरीके से गैसेस के क्लस्टर बन गए और ये क्लस्टर क्या है, हमारे गैलेक्सीज। तो इन क्लस्टर से किसकी फॉर्मेशन हुई,
गैलेक्सीज की. दिस वॉज द सेकेंड स्टेज. अब क्या होगा कि फर्दर इन एटम्स में ब्लास्टिंग होगी. फर्दर एटम्स में ब्लास्टिंग होगी तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे से और दूर होती जाएगी. अब कैसे दूर होगी इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं. जैसे कि एक बैलून हमने लिया, बैलून ये हमने एक बैलून लिया. इस बैलून पर हमने कुछ डॉट्स लगाए, छोटे छोटे टीनी डॉट्स हमने इसमें लगा दिए. अब आप क्या करोगे कि इसमें जब हम ये जब हम स्टार्टिंग में डॉट्स लगा रहे हैं तो वो बहुत ही पास होंगे जब तक उसमें हवा नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसमें एयर ब्लो करेंगे तो वो डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे. उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, स्पेस इंक्रीज हो जाएगा. फिर इसमें हम और एयर ब्लो करेंगे तो वही स्पेस जो है डॉट्स के बीच में और इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरीके से जितनी बार हम उसमें एयर ब्लो कर रहे हैं वो स्पेस इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पर जितनी बार इसमें ब्लास्टिंग हो रही है उतनी बार गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रही है. क्यों दूर हो रही है, कि इनके आसपास का जो मैटर है वो उसे अट्रैक्ट किए जा रहे हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसके आसपास का मैटर इसमें इंक्रीज हो गया, इसके आसपास का इसमें चला गया, तो इन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ गया. इसी तरीके से फोर्थ स्टेज में फिर डिस्टेंस जो है वो और इंक्रीज होगा, दोबारा ब्लास्टिंग हुई और फर्दर जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आ गए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को फिर इन बड़े ऑब्जेक्ट्स ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया और ये जो बीच का स्पेस है वो इसमें चला गया. ऐसे ही इसके साथ जो ऑब्जेक्ट थे उसको सेंटर ने अट्रैक्ट कर लिया और इसके बीच का जो है ये स्पेस भी खत्म हो गया, इसके साथ हो गया. तो इन दो गैलेक्सीज का बीच का स्पेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो जैसे जैसे इन गैलेक्सीज के बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज होता गया, हमारा यूनिवर्स जो है वो क्या होता गया, एक्सपैंड होता गया. हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया. दिस इज द फोर्थ स्टेज व्हेन द यूनिवर्स वाज एक्सपैंडिंग. अब क्या हुआ कि जब ये गैलेक्सीज जो हैं उनमें अपने आप में भी वही प्रोसेस कंटिन्यू था कि यहाँ पर अभी भी वो किस में हो रहे थे, ब्रेकडाउन हो रहे थे. जब ये ब्रेकडाउन हुए, फर्स्टली ब्रेकडाउन हुए तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, स्टार्स. क्या बन गए इससे, स्टार्स, डिफरेंट स्टार्स में ये कन्वर्ट हो गए. ठीक है, अब जो स्टार्स हैं स्टार्स में फिर से ब्लास्टिंग हुई और फिर वो और स्मॉल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए. इन स्टार्स से ब्लास्टिंग में वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्लैनेट्स में. छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं उसकी फॉर्मेशन हुई और इस तरीके से प्रॉपर हमारा जो है क्या बन गया, सोलर सिस्टम बन गया. अब यहाँ पर ये सिचुएशन कब थी, जब ये क्लस्टर बनने लगे आफ्टर द बिग बैंग, यानी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जब एक सडनली ब्लास्ट हुआ. उसके बाद आफ्टर दैट 3 लाख बिलियन ईयर्स अगो, सॉरी आफ्टर द 3 लाख बिलियन ईयर्स जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 4500 केल्विन ड्रॉप होना शुरू हो गया. कोई चीज़ कभी भी प्रॉपरली होट नहीं रहती. मुझे गुस्सा आया, गुस्सा आएगा, 5 मिनट रहेगा, 10 मिनट भी रहेगा, 15 मिनट भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 मैं शांत होना शुरू हो जाऊँगी. सिमिलरली यहाँ पर ऐसे हुआ, ब्लास्टिंग हुई, रेडिएशन निकला, बहुत एंग्री एनर्जी निकली, मैटर निकला, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ठंडा होना शुरू होगा. तो ये सिचुएशन थी 3 लाख बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, जब टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हुआ और ये जो पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या होना शुरू हो गए, ठंडे होना शुरू हो गए, कूल डाउन हो गए. कूल डाउन होने के कारण उनका जो है आपस में वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करने लगे और आपस में जुड़ गए. दे फॉर्म टुगेदर एंड create the formation of stars as well as the planets. Now it is clear why we call it universe expanding theory, because this process is still continue. ये जो process है वो अभी भी हमारा continue है और हम according to the Hubble our universe is still expanding. Now the second point or the second theory which was given by the Hoyle. Second theory is given by the Hoyle. According to the Hoyle, no doubt Hoyle also proved that the
करता है कि हमारा अर्थ सॉरी हमारा यूनिवर्स जो है वो एक सिंगल पॉइंट से निकला है, इससे वो सहमत है। लेकिन कहां पर इन दोनों में डिफरेंस है, हॉयलेस स्टेट सॉरी हॉयले के अकॉर्डिंग कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक सिंगल पॉइंट से जरूर निकला है, बट इट इज नाउ इन स्टेडी स्टेट, उस वो अब एक्सपेंड नहीं हो रहा। जबकि एडविन हबल क्या कहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक सिंगल पॉइंट से निकला है, लेकिन यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एडविन थ्योरी एंड द हॉयले थ्योरी। ऑल द कंसेप्ट बट रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट इज सिमिलर इन द एडविन एंड हॉयले थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, now we had completed our early theories as well as modern theories about the origin of the earth. In the next lecture we will continue our next topic, the star formation, planet formation and evolution of the earth. Thank you, have a nice day.